दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के खजूरवाड़ा गांव में गुरुवार की देर शाम हुई मारपीट में पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू यादव की हत्या कर दी गई। पूर्व जिला पार्षद का गांव के ही कुछ लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था, ऐसा बताया गया। गुरुवार की देर शाम वो अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर जा रहा था। इसी बीच मिल्की खजूरवाड़ा पुल के पास पहले से घात लगाए उनके विरोधियों ने हमला कर दिया। हमले में लाल बाबू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना पर कमतौल पुलिस वहां पहुंची और उनके परिजन भी पहुंचे और घायल को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। यानी कि लाल बाबू राय को डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही लाल बाबू राय ने दम तोड़ दिया। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सिटी एसपी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कहा है कि पूरे प्रकरण में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी ससमय सुनिश्चित कराएं। लाल बाबू के मौत के बाद उनका शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के चित्कार से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना के बाद गाँव में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में लगी है। थाना अध्यक्ष सरवर आलम के नेतृत्व में पुलिस के जवान सूचना के बाद से ही तैनात है। मरने से पहले आपको बता दें कि पूर्व जिला परिषद सदस्य लाल बाबू यादव ने गुरुवार की देर रात डीएमसीएच में बेता पुलिस को बयान दिया था। उसने बताया था कि किस तरह से कुछ लोगों से उसका जमीन का विवाद चल रहा है। कमतौल थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी उन्होंने। लाल बाबू ने पुलिस को बताया कि गांव के कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे वो बाइक से अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान कुछ लोग पहले से घात लगाए हुए थे। खजूरवाड़ा पुल के पास 10 से 11 अज्ञात व्यक्ति थे। उन्होंने बाइक रोक दिया और बाइक से जबरदस्ती उतार दिया गया लाल बाबू राय को। लाल बाबू ने ऐसा पुलिस को बयान दिया है। बाइक से उतार कर घसीटते हुए विवादित जमीन पर ले जाया गया और रॉड एवं लाठी से मारना शुरू कर दिया गया। इसके बाद अपराधियों ने मरा हुआ समझकर गेहूं के खेत में फेंक दिया। इस बीच पत्नी बचाने आई तो उसे भी गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया गया। ये मालूम हुआ कि उनको काफी बड़ा हमला हुआ है और शूटिंग काफी हो रही है, इतना मुझे कल रात में मालूम हुआ। तो अभी सुबह में मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। जिला परिषद के मेंबर भी रहे हैं और काफ़ी एक्टिव लोगों में था। अभी थोड़ी देर पहले इनकी घर में शादी थी, मैं उसमें भी गया हुआ था और काफ़ी मेहनत करके घर को आगे बढ़ाया था इन्होंने। और इस तरह की हत्या, इतना तकलीफ दे हत्या बहुत कम देखने को मिलता है। पूरा इतनी इंजरी है तो अब बहुत सदमा है हम लोगों को, बहुत शॉक्ड है हम लोग। नहीं, अब जो भी है ठीक है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सबका पता जरूर चल जा रहा है कौन मारने वाला है, क्या है नहीं है। गिरफ्तारी भी हो रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक भय होना चाहिए। शायद कोई उसकी कमी है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पदाधिकारी को। जो घटनाएं हैं वो इधर काफ़ी ज़रूर करेंगे, जिससे ज़रूर पड़ेगा उससे करेंगे। यहाँ एस पी से करेंगे, यहाँ पर आई जी साहब उससे करेंगे, सब लोगों से बात करेंगे। कल शाम को वो कमतौल से रिटर्न आ रहे थे, तो वो जो जिस रूट से आ रहे थे तो वहाँ पे पहले से घाट लगाए अपराधी लोग थे, ठीक है। उनको कुछ इस चीज़ का भनक नहीं पड़ा, ठीक है। और मतलब कि जब हमारा जहाँ पे प्लॉट है, जिस प्लॉट का अभी थोड़ा सा ये चल रहा था, उस प्लॉट के पास वो रुके ही, तब तक वो लोग दौड़ करके आए। करीब 20-22 लोग थे और उनको पकड़ करके गाड़ी पर से खींच करके उतार करके ले गए, ठीक है। और खेत में जा करके गोली रिवॉल्वर रखे हुए थे और खंती से मारे हुए हैं, जिसमें 4 गोली भी लगा हुआ है और खंती से जो मारे हुए हैं, सो पैर में जो है ना वो पूरा होल हो गया हुआ है, 3-4 होल हुए हुए हैं। हमारे गांव की ही अभ्यचन यादव, कैलाश यादव, कमलेश यादव, विनोद यादव और उनके पिता नंद निहोरा यादव एंड ये मनोज यादव, विजय यादव और उनके पिता जो है सो राम निहोरा यादव।
पहले और अन्य 11 लोग थे जी। पहले से विवाद नहीं चल रहा था, लोग जानबूझ करके हम लोग ने इससे पहले भी हम एक एप्लीकेशन दिए हुए थे, पेटिशन दिए हुए थे थाना पे, उन्होंने हम पे जानलेवा हमला किया था जिसमें मेरी गाड़ी में हमको प्रोटेक्ट किया था, जिसमें मेरी गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। उस समय इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई थी, उनको सारा चीज़ आ करके देख करके गए गाड़ी का, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये जो है इसको आप से ही रंजिश कहें, पंचायत चुनाव कहें या जमीनी विवाद। मेरा नाम अभिषेक कुमार बबलू यादव। कल शाम को दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जल्दी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। कल रात में मृतक ने इलाज के दौरान जो पुलिस को बयान दिया था, उस दौरान गोली लगने की बात नहीं बताई थी, ना ही डॉक्टर ने ऐसी कोई बात बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, अभी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है।